चलो यार, देर हो गई है, जल्दी जल्दी कहाँ हो फुरकान, आ जाओ जल्दी, चलो। क्या हो गया, तुम वहां से उठा के गए कि दूर से आखिर भाई ने क्या बोला है? अबे भाई बताता हूँ यार, तुम ऊपर तो चलो, पहले छत पे चलो, पहले इमरजेंसी है, मैं तुम्हारे को ऊपर जाके बताता हूँ कि हुआ क्या है क्या है। नहीं चलो चलो चलो, खोलो खोलो। अबे भाई क्या हो गया, सुन भाई तुम इतने बर्बादी हो, बताओ तो। असल में वो भाई की कॉल आई। हाँ अब तुम पूछ रहे हो क्या बोला यार, वो ना छत के ऊपर टहलने होंगे, हाँ। आए होंगे किसी काम वाम से। अब हाँ। क्या काम था, वो बोल रहे कि तुमने जो पिजन्स है ना उनके नीचे अंडे रखे हुए थे, हाँ। तो उनमें से एक का छिलका पड़ा हुआ। एक मिनट, वाकई में? हाँ ना, छिलका पड़ा हुआ। अबे तो जल्दी, अबे ये, अबे तुम बच्चों को तोड़ दिए, अंडे तोड़ दिए यार, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वही तो देखने आया हूँ मैं जल्दी से। चेक करो तो दोस्तों, हम बहुत दूर से आए अभी। अबे यार क्या हुआ है, देख क्या हो गया। ये देखो कुर्सियां भी आई रखी है सारा। कौन से पिजन है ये? है ना यही है। ये देखो यार, अबे माइट बच्चा है, अंडा निकाल। अरे कहाँ बैठा हुआ है ये माइट? अरे माशाल्लाह, अबे माशाल्लाह तो यार बच्चा निकाल दिया इसने। ओ भाई, ओ माशाल्लाह यार, ये देखो, ओ वो क्वार्टरी है। ओ भाई छिलका, ये देखो, अबे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह यार दोस्तों, इसने बच्चा निकाल दिया, सामने ही बैठा हुआ है यार, देखो कितना प्यारा है, क्यूट सा। निकालता हूँ यार इसको, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा परेशान ना करे, काटे नहीं तो। आ जाओ भाई छोटू, चोट मार भाई, वो तो काटेगी ना भाई, मैं तुम्हारे से ले जा नहीं रहा यार, सिर्फ चेक करके दे रहा हूँ बस यार, इसको निकले हुए टाइम हो गया है माशाल्लाह। समय वो भाग नहीं निकालो फिर, नहीं इसको वो मारेगी, यही डर है यार। अभी तो ये हल्का हल्का यार गीला भी हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार, भी हो रहा है हल्का हल्का, रख दूँ ना? हाँ रख दो, फिर वो वरना इसको नहीं खाएगी। ये देखो मारा इसने, हाँ। अब मुझे जो है ये खोल के सही से रखना पड़ेगा यार। माशाल्लाह कितना क्यूट है यार, देखे इसको माशाल्लाह। बाकी यार तुम लोगों को तो मैं सुबह में दिखाऊंगा यार, अभी ऐसे मजा नहीं आएगा ना, वो इतना प्यारा लग रहा है। चलो देख लो भले यार, कोई मसला बहुत नहीं, छोटा सा ही देखो। बाकी सुबह आप लोगों को ना इसकी अलग ही खूबसूरती वाजे होगी यार। अभी ये गीला हो रहा है, इसको मैं रख देता हूँ, इसको अभी रख देता हूँ भाई, तुम जो हो ना एक मिनट बाद में काट लेना, पहले तो दोस्तों इसको रखता हूँ, बच्चे को यहाँ रखते हैं। चलो भाई जाओ, बैठ गए तो यार देखते हैं, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ जल्दी से, बैठ गए माशाल्लाह यार, देखें कैसे बैठी है ये। अरे गुस्सा आ रहा है भाई उसको यार, हमारी पिजन जो है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसको बाहर निकाल के तुमने गलती कर दी। नहीं नहीं कुछ नहीं होता यार, वैसे भी निकलना है, खाने पिलाने के लिए तो उसको हम ही निकालना पड़ेगा ना। वो कहाँ जा रहा है देखो सुन भाई, वो भाई कहाँ चढ़ रहे हो छोटू मियाँ, तुम पीछे दब जाओगे यार। ये देखो ये ऊपर चढ़ गया और उल्टा हो गया है, गेरा गेरा नीचे नीचे उल्टा, वो देखो इसकी हरकत। अरे भाई अभी तुम छोटे हो यार, ये मार ली असन भाई यार। नहीं नहीं पीछे हट जाओ, खुद ही बैठ जाएगी असन में, मार ली बाबा, बैठ जाएगी खुद ही बैठ जाएगी। चलो यार तो एक काम करते हैं दोस्तों, अब जो है हम इसको सुबह देखते हैं आके, और बाकी बहुत खुशी हुई यार इसका बच्चा देख के। बाकी तुम लोगों को मैं सुबह दिखाता हूँ ये, अपन दोनों यार सुबह आके ना इसको देखेंगे कि कैसा है। और अभी तो चल भी बहुत हल्का फुल्का रहा है, वो गिर रहा है ज्यादा, पर यार बहुत तेज है, तो सुबह आके इसको देखते हैं सेटअप पे कि ये बच्चा आखिर किस रंग का है, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है, वाजे नहीं हो रहा ज्यादा, तो सुबह चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है सुबह में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों सुबह के जो है ना अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं यार, बाकी आप लोग मंदिर चेक करो यार, ये रहा सूरज हमारा, और देख रहे हो बादल कितना आया हुआ है। बाकी खैर इस चीज़ को छोड़ो यार, मौसम तो वैसे ही अच्छा बताया हुआ है, बारिश किस वक्त हो जाए कुछ भी नहीं पता भाई। खैर से यार हम इतनी जल्दी क्यों जागे हैं, जागे क्या यार, मैं तो पूरी रात का जाग रहा हूँ दोस्तों, पूरी रात का जागा हुआ हूँ भाई। आदमी जाग रहे दोस्तों, मैं भी पूरी रात का जागा हूँ, बस ये सोच रहा था कि कब मैं उठूंगा, कब असन भाई फोन करेंगे और कब हम अपने प्यारे से। बिल्कुल यार मेरा भी जहन यही था दोस्तों, पूरी रात हम नहीं सो पाए यार, और मैं तो यकीन मानो आंखें ऐसी हो रही थी, बस ये हो रहा था कि यार जैसे ही सुबह हो ना फौरन से सेटअप पे आए, और अपना जो छोटा प्यारा सा वो निकला है ना नया मेहमान नन्ना सा, उसको जाके देखें और निकालें बाहर। तो खैर से यार हम सेटअप पर आ गए दोस्तों, तो चलते हैं। हाँ ये तुम क्या पानी लाए हो? ये यार ये है पानी, ये किस चीज का है ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, इसको नहीं पता भाई ये क्या है, तो जिन व्यूवर्स को नहीं पता उनको भी मैं बताता हूँ। तो यार ये एक इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं जानते कि चूजे के बच्चे जब निकलते हैं क्या करना चाहिए, तो उनके भी काम आएगी। तो वीडियो के साथ बनते रहें आप, और जो जो नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी। तो चलो यार देखते हैं हम अपना
छोटा सा बच्चे को। आ जाओ यार। तो भाई हमारे भाई भाई बेटा भाई वो भारी भाई अबे गिर गया वो भारी बैठे में। अबे भाई बड़ा प्यारा यार माशाल्लाह कितना क्यूट है दोस्तों ये छोटा सा इतना सा यार जो खैर से यार कितना प्यारा है। तो यार इस पानी को तो मैं पहले यहाँ रखूँ और पहले हमारा जो छोटा बेबी है यार कितना प्यारा इसको सबसे पहले तो मैं बाहर निकालूँ। ये मैं तुम्हें चलो यार एक बात बताऊँ ये मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है। तुमने चलो यार फर्स्ट टाइम देखा है तो आज तुम जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपने हाथ में भी पकड़ना इसको। तो यार इसको निकाल लेते हैं हम क्योंकि यार वो मारेगी। देखो इसकी जो माँ है ना यार ये माँ इसकी सेकंड मदर है एक तरीके से क्योंकि यार देखो बोलते हैं ना कि पैदा करने वाली से पालने वाली ज्यादा बड़ी होती है तो एक तरीके से ये इसकी माँ हुई पालने वाली माँ है क्योंकि यार अंडा भले उसका ऊपर निकाला तो सीख के इसने ही है ना इसको। खैर से यार दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ हमारा वो छोटा सा बच्चा क्योंकि यार रात में तो आपको नजर नहीं आएगा तो हम उसका रिवील कर रहे हैं यार फेस। तो देखें यार माशाल्लाह कितना क्यूट है यार ये अबे यार देख रहे हो कितना प्यारा है यार ये। और ये देखो इसके पैरों पे अभी से बाल हैं छोटे छोटे ये देखें दोस्तों दिखे कितना प्यारा है यार माशाल्लाह। और ये जो है दोस्तों मैं बताता चलूं कि जिन जिनको नहीं पता ये किसका बच्चा है तो भाई उससे भी मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। आओ यार यार ये हमारी बच्चा है दोस्तों इनका इस वाली मादी का वो देखें दोस्तों ब्लैक बफ की मादी का। अरे भाई ये तुम्हारा बच्चा निकल आया है ठीक है भाई देख लो अपने बच्चे को कैसे गौर से देख रही है यार देखो ये लो भाई तुम्हारा बच्चा। ओए यार ये हमला करती है मैं जरा दूर से ही दिखा रहा हूँ देख के ये देखो भाई तुम्हारा नया है हमारे लिए है ना। तो भाई तुम्हारे को मैंने दिखाना था तो यार दोस्तों ये ब्लैक बफ का बच्चा है हमारा इन दोनों का तो ये इनका अंडा था जिसका ये छोटा सा हमारा बेबी निकला है। अब मैं ये बताओ ये पानी क्यों आयो यार पानी का मैं तुम्हारे को बताता चलूं ये पानी अब मैं बताता चलूं किस चीज का है तो यार ये चीनी का पानी है फुरकान दोस्तों चीनी का पानी है। इतने छोटे बच्चे जो नौ मौलूद होते हैं बिल्कुल पैदा हुए उनको चीनी का पानी पिलाया जाता है। वजह ये होता है दोस्तों चीनी का पानी इनका पेट साफ कर देता है बिल्कुल क्लियर कर देता है पेट जो भी इनकी गंदगी आ रहा जो भी होता है सब साफ कर देता है। तो सिर्फ यही इसके पीछे की वजह है उसके बाद आप इसको कुछ भी खाने को दे सकते हैं। तो चलो पहले यार इसको हम पानी पिलाते हैं और फिर इसको खाना खिलाएंगे। यार दो तो इधर तो दो दिखाओ। ये लो भाई तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं ये लो भाई हमने फुरकान के हाथ में दे दिया है छोटू को अब तुम हाथ में रखो जब तक मैं इसके लिए दाना निकालता हूँ। तो यार इसको दाने में क्या देना है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इसको क्या देऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप तो था ही साफ हसन भाई ने सुबह सुबह आके साफ कर लिया था तो मैं ऐसे ही बैठ गया मैंने बोला यार सेटअप पे ऐसे ही बैठ जाओ उल्टी पल्टी मेरा खैर सेटअप तो अपना ही है। तो आ जाओ भाई छोटू तुम्हारे को हम खिलाते हैं खाना आ जाओ भाई चलो खा लो। यार ये खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं एक मिनट रुको थोड़ा तो खाओ यार। यार इसके लिए एक ट्रिक करनी पड़ेगी हमें फुरकान क्या आप मोबाइल निकालो दोस्तों हमें मुर्गी की आवाज़ निकलवानी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा ये खाएगा नहीं। जब मुर्गी आवाज़ निकालती है ये तब ही दाना चुगते हैं क्या मतलब ये समझते हैं कि मुर्गी हमें बता रही है कि चलो यार खाना खा लो बेटा। तो ये एक होता है इनके अंदर तो हम वो सर्च करके मुर्गी की आवाज़ निकालते हैं और इसको सुनाते हैं कि शायद ये खाना शुरू कर दे। तो यार मैं जो हूँ वो सर्च कर लेता हूँ दोस्तों। तो यार दोस्तों हमें जो है वो साउंड मिल गया है ये देखें चल रहा है। तो यार अब इसको हम रखते हैं और यार देखते हैं फुरकान के ये खाता है या नहीं। फिलहाल तो यार ये सोने में ज़्यादा मन लगाई देखो यार कैसे उठा है आवाज़ पे फौरन ये देखो खा रहा है यार ये देखो साउंड पे देख रहे हो इसने खाना शुरू हल्के फुल्के चूचे मार रहा है दोस्तों फिर भी जो मार रहा है थोड़ी बहुत मार रहा है। खा लो यार क्या हो गया क्यों नहीं खा रहे नहीं यार। तो यार दोस्तों बहुत कोशिश करी हमने पर इस आवाज़ से भी ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ तो इसको तो हम बंद कर देते हैं। यार ये मुर्गी की आवाज़ से भी इतना नहीं खा रहा वैसे खुद खा रहा है जो हमारा छोटा सा बच्चा निकला है पर इसको यार अभी ये देखें अभी ये ऐसे कर रहा है मेरे हिसाब से ना अभी इसको खाना आ नहीं रहा है ये देखें अभी ये सिर्फ ऐसे गिरे जा रहा है कमज़ोरी की ऐसे क्योंकि इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ यार।
यार हसन भाई पता नहीं कहाँ गया इतनी 5 मिनट का। अबे आ गए भाई, ये रहे, ये लो भाई, तुम वेट कर रहे होते हो अक्सर, ऐसा होता तुम वीडियो बनाते होते और मैं एंटर हो जाता हूँ। नोटिस करा तुमने? मैं अक्सर आता हूँ। खैर से यार दोस्तों, मैं ले आया हूँ डबल रोटी, देख रहे हो पानी में भीगी हुई लाया हूँ बिल्कुल, क्योंकि यार ये बच्चा है ना छोटा, ये बाहर कैसा है यार? तुम घूम रहे हो आराम से सुकून से छोटू मियाँ, तुम्हारे तो मजे आए हुए। खैर से यार इसको हम दोस्तों यार ये डबल रोटी खिलाते हैं, क्योंकि ये भी इसके कुछ काम नहीं आई, तो ये थोड़ा बहुत खिला देते हैं। इसके बाद छोड़ दो इसको, मैं इसको खिलाता हूँ और इसको थोड़ा सा फिर घुमाते हैं कि थोड़ा बहुत ये चले फिर है। तो चलो यार इसको खिलाना शुरू करें। खा रहा है? हाँ भाई खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है। ये देखो कैसे खा रहा है, थोड़ा थोड़ा, ये देखना, ये देखो मारा। ये देखो माशाल्लाह भाई खाना शुरू कर दिया। ये देखो ले गया मुँह में, खा गया भाई। ये लो भाई ये भी खाओ जल्दी से, जल्दी एक नहीं वाला नखरे ही नहीं मिल रहे भाई, नखरे ही नहीं मिल रहे। ये लो अच्छा ये लो। चलो यार तो दोस्तों यही करते हैं, इसको जो है हमने बहुत खिलाने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत इसने थोड़ा तो चुगा यार, एक दो पीस तो खाए इसने इसके, और थोड़ी सी डबल रोटी खाई थी और इसने अपनी थोड़ी सी मुँह में फंसा भी ली थी, वो मैंने जल्दी से निकाली वरना इसके यार अटक जाती। खैर से दोस्तों आखिर में यार एक चीज़ और पूछनी थी कि आप लोगों को कैसा लगा रहा हमारा ये जो छोटा मेहमान आया है, और इसका एक क्यूट सा हमें नाम सजेस्ट करें आप जल्दी से, अगर आप लोगों को क्यूट लगा है देख लें भाई, तो आप जल्दी से हमें इसका एक प्यारा सा नाम सजेस्ट कर दें, देख लें इसको माशाल्लाह से यार। तो इस क्यूटों का नाम मुझे बहुत अच्छा सा बताना है आप लोगों ने कमेंट में, तो हम वही नाम इसका रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो यार इसको आप रखते हैं वापसी इसके माँ बाप के पास। आ जाओ यार, इस समेत ही रख दूँ ना, ताकि जो दाना है ये खुद खाए, है ना। चलो भाई हटो यार, ये बस मारे नहीं यार ये लोग। तो यार मैंने इसको रख दिया है, बच्चे को नीचे ही रख देता हूँ यार इसके, और ये गया बच्चा इसके नीचे। चलो यार ठीक है ना। ओ नहीं 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 मानना नहीं है। चलो यार बच्चे को रख देते हैं, तो बच्चे को इसने रख लिया दोस्तों, रख लिया ना वो देखो। हाँ अब बच्चा इसके नीचे रहेगा और ये इससे सेफ रहेगा यार दोस्तों, इससे इसको कोई मसला नहीं होगा, ये गरमाइश इसको मिलती रहेगी। अबे हसन भाई ये बाहर आ गया। अरे यार ये बाहर आता रहेगा, छोड़ दो इसको यार। अब यार दोस्तों उसकी आदत बन गई है, वो ना बार बार वहाँ से बाहर आ जाता है, माँ उसकी उठती है वो फिर वापसी। खैर से हमने उसको दाना भी रख दिया है, अब ये खुद इधर घूमता रहेगा अंदर, इसकी मर्जी है, इसको थोड़ा बहुत घूमने फिरने दो, और आपने हमारे को यार एक प्यारा सा नाम सजेस्ट कर देना है। तो दोस्तों यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मजे मजे के ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। सही है भाई, टाटा टाटा भाई छोटू, चलो भाई इधर से आ जाओ तुम। चलो चलो।